आज का एविएशन राइट ब्रदर्स के द्वारा रिविट होकर बनाए गए दुनिया के पहले जहाज से बहुत आगे आ चुका है। रिविट समझते हो ना, चलो दिखा देता हूँ। ये है रिविट, और कहाँ देखने को मिलेगी? आपकी बाइक या कार की नंबर प्लेट पर। नंबर प्लेट को इसी से फिक्स किया जाता है। कई सौ यात्रियों को लेकर उड़ने वाले बड़े बड़े पैसेंजर प्लेन्स को ये भारी भरकम एयर कूल्ड इंजन हजारों हॉर्स पावर की ऊर्जा देते हैं। आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला? एयर कूल्ड। चलो इससे जुड़ी हुई एक मजे की बात बताता हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने अपनी कार्स और बाइक को एयर कूल्ड से वाटर कूल्ड या ऑयल कूल्ड सिस्टम पर ला दिया, पर एयरप्लेन्स में इसका उल्टा किया। वो पहले वाटर कूल्ड और ऑयल कूल्ड थे, लेकिन अब वो एयर कूल्ड हैं। और इसके पीछे का कारण कौन बताएगा? अरे मैं हूँ ना, अभी बताता हूँ। देखो, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की वजह से टेम्परेचर कम होने के कारण पानी या ऑयल जम जाता था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि पानी जमने के बाद एक्सपेंड होकर पंप और इवेपोरेटर्स को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। इन सब दिक्कतों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए एयर कूल्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वैसे वाटर कूल्ड और ऑयल कूल्ड सिस्टम एयर कूल्ड सिस्टम से ज्यादा बेहतर होते हैं। अब आपके लिए सवाल, केरोसिन का नाम तो सुना ही होगा, या देसी भाषा में कहें तो मिट्टी का तेल। एयरप्लेन में ये किस काम आता है?